हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। सो आज हम बात करेंगे बीपीएससी के 66 PT के बारे में। सो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा और औरों तक हमारी बातें पहुँच पाएंगी। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके। सो आइए देखते हैं, जो BPSC 66 का जो PT हुआ था वो उसमें जो पोस्टें थी, लास्ट समय में कुछ पोस्ट ऐड हुई थी जिसके कारण जो पोस्टों की संख्या जो हो गई थी वो 4733 हो गई थी टोटल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा लास्ट समय में ये ऐड हुई है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप BPSC के ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है कैसे देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका जो एग्ज़ाम था वो 27 दिसंबर को हुआ था और साथ में एक और एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम, जो कि 14 फेब को हुआ था। याद रखिएगा एक सेंटर पे ही हुआ था, औरंगाबाद सेंटर पे। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर की है अभी 20 दिन पहले ही आया है। सो मैंने तभी एक वीडियो बनाया था, उस समय ही बताया था कि 25th तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, अप्रैल अप्रैल में आएगा। वो कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। सो उस समय ही मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसमें दिया हुआ था कि नहीं 25th को आएगा और BPSC ने बताया। सो मैं आपको क्लियर कर दूं कि BPSC ने कुछ नहीं बताया है, वो सिर्फ एक मतलब उम्मीद जताई जा रही थी कि आपको लगभग 25th तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। सो एक उम्मीद थी वो, ना कि BPSC ने उससे ऑफिशियली बताया है कुछ। ऑफिशियली बताया होता तो वो आपके साइट पे रहता और जो बताया हुआ है वो पहले के कैलेंडर के हिसाब से बताया हुआ है। सो प्लीज़ उस पर आप ना जाएँ। जो मैं जो फैक्ट बातें हैं मैं वो आज बताऊँगा कि हाँ क्या है। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और उस समय भी आपने ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ, फिर से मैं वही बात को दोहराऊंगा। और आप देखिए अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, सो इसीलिए मैं आपको आज जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ इसके लिए। सो इसमें हम देखेंगे कि जो कट ऑफ जो है उसके बारे में देखेंगे, और जो मतलब कट ऑफ के बारे में देखेंगे, जो कट ऑफ है बेसिकली 66 का, उसमें जनरल कैटेगरी का है वो कहाँ तक जा सकता है। जनरल कैटेगरी का 98 है और प्लस हैं आप, अगर आपके आंसर की के हिसाब से तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और फीमेल का 92 प्लस, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। BC का जो है 94 जाएगा मेल का, और फीमेल का जाएगा 87 जो है वो फीमेल का है। और EWS का मेल का है 93 जा सकता है, ठीक है, 93 प्लस ही जाए या 93 तक जा सकता है। और जो फीमेल है उसका 86 जाएगा या 86 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। जो ST का है वो 88 जाएगा मेल का, और फीमेल का 86 जा सकता है। जो SC का है वो मेल का 90 जा सकता है, और जो फीमेल का है वो 80 जा सकता है। और जो EBC का है वो 93 जा सकता है मेल का, और आपका फीमेल का 86 जा सकता है। और BCL का है जो 85 जाएगा जो कट ऑफ है। सो ये तो रहा हमारा कट ऑफ। और उसके बाद हम देखते हैं रिज़ल्ट डेट। सो रिज़ल्ट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो रिज़ल्ट है वो आपको 25th ऑफ मार्च तक नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो आंसर की रिलीज़ हुई है जो कि लास्ट एग्ज़ाम का जो कि 14 फेब का था उसका आंसर की, उसके बाद जो गैप पड़ता है, क्योंकि देखिए कम रिजल्ट को है ना कंबाइन करना पड़ता है, दो बार पेपर हुआ उसके कारण काम बढ़ जाता है और कंबाइन करना पड़ता है जिसका आंसर थोड़ा डिले हो जाता है। इस कारण से जो अंदेशा है, वैसे देखिए अगर 25th तक आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन जहाँ तक पता चला है कि वो आपके रिज़ल्ट जो है वो 3 अप्रैल से लेके आपको 5 अप्रैल के बीच आ जाएगा, या 3 अप्रैल से पहले, अप्रैल के पहले वीक में आ जाएगा, ठीक है। ये मार्च में नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्च में देखिए होली भी है, अब रिज़ल्ट आने का चांस बहुत कम हो गया है क्योंकि होली भी है, उसके बाद ही रिज़ल्ट का कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। सो प्लीज़ आप इसके लिए इंश्योर रहिए, रिज़ल्ट कभी भी आए आपके रिज़ल्ट आएंगे ही और उसके साथ मेंस होगा ही। सो प्लीज़ मेंस की तैयारी करते रहें, अगर आपके नंबर इतने हैं तो मेंस के लिए आप तैयारी करते रहें। इस पर फोकस ना करें कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, 25 को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं आएगा तो आपका अप्रैल के पहले वीक में आने ही वाला है, कन्फर्म है ये। सो प्लीज़ अपने पढ़ाई में लगे रहें और अपने जो भी मेंस की तैयारी हो रही है उसमें आप लगे रहिए। सो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।